Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine to Chilling Academy. Divine to Chilling Academy में online classes conduct होते हैं और आप astrology, numerology इस तरह के कई courses आप online सीख सकते हैं. आप घर बैठकर ये courses सीखकर आपकी personal life को हर एक field में improve कर सकते हैं. आपके career, आपके finance, आपके relationship, आपके health और आपके spiritual growth के लिए. प्लस आप आपके लव्ड वंस को गाइड कर सकते हैं थ्रू ऑल दीज मॉडलिटीज. आप हमें हीलिंग सेशंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं. आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर किसी को हीलिंग सेशंस की जरूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्टेंट हीलिंग सेशंस यहां पर दिए जाते हैं. ये वीडियो बन रहा है अगर आप वर्गो राशि हैं और आपका रिलेशनशिप टॉरस राशि के साथ है, वृषभ राशि के साथ. आप खुद कन्या राशि हैं और आपका पार्टनर जो है वो वृषभ राशि का है, तो आपका क्या स्टेप होना चाहिए आपके रिलेशनशिप के लिए. यहाँ पर कार्ड आया है कि आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में. आपके पार्टनर ऑलरेडी नाराज होकर चले गए हैं और यहाँ पर कार्ड आता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ चीजें छुपा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं. आपके पार्टनर भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं. और टैरो से अगर पूछा जाए कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या बाहर आना चाहिए, तो टैरो एडवाइस देता है कि आपको इसी रिलेशनशिप में नेम, फेम, रेपुटेशन मिलने वाला है और आप इसी रिलेशनशिप में ग्रो होने वाले हैं. आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका मेंटल ग्रोथ, आपका हेल्थ इसी रिलेशनशिप में बेटर होने वाला है. और अगर आपने इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं किया, आपने इस रिलेशनशिप को नर्चर नहीं किया, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बाहर जाने वाले हैं. सो एट प्रेजेंट अगर आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी टूटने नहीं दें. अपने एनर्जीज, अपने विचार, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी इनर स्ट्रेंथ से इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएं. और यहाँ पर दिखाता है कि फ्रेंड्स फैमिली भी आपको बहुत डिस्करेज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप आध्यात्मिक की मदद से, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की मदद से, स्पिरिचुअल रिचुअल्स की मदद से आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकते हैं. कहते हैं कि जोड़ियां जमीन पर नहीं बनती हैं, धरती पर नहीं बनती हैं, हेवन में बनती हैं, स्वर्ग में बनती हैं. और बहुत ही मुश्किल होता है दो लोगों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना और रिलेशनशिप में आना. तो इस प्रोसेस को बहुत एफर्ट्स लगते हैं, नेचर के भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं. तो हमें इस एफर्ट्स को, नेचर के एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. और यहाँ पर आया है कि आध्यात्मिक, जैसे आप गणपति जी की आराधना कर सकते हैं. अगर आप गणपति जी की आराधना नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट एनिमल्स को, या आप काओ को हरा चारा खिला सकते हैं और आप बर्ड्स को भी ग्रीन मूंग खिला सकते हैं. आप खुद ग्रीन क्लोथ्स ज्यादा यूज करें. घर के नॉर्थ में कुबेर जी का आइडोल जरूर रखें और घर के नॉर्थ में आप ग्रीन एवेंचरीन क्रिस्टल रखें. खुद भी एमरल्ड स्टोन पहने और आप ग्रीन कलर के बॉटल यूज कर सकते हैं पानी पीने के लिए. सौंफ का सेवन भी जरूर करें आपके खाने के बाद. ये सब रेमेडीज करने से भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होता है और आपके जो डिसीजंस होते हैं वो राइट होते हैं. थैंक यू.